अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बाबूजी, आपकी शिकायत है आपके लड़के को जूनियर डॉक्टर ने गुंडागिर्दी के तहत, अपनी मनमानी के तहत उनकी हत्या कर दी या मार डाला, क्या मामला है बताइए। जानबूझ के मारा मेरे बेटे को, मेरे सामने जरासी बात पे इसने, मैंने वो खून बोतल में जा रहा था ऊपर, तीन बार मैंने कहा, मेरे बच्चे ने कहा, जरासी बात पे इतना गुस्सा खा गया डॉक्टर कि उनका पकड़ के ऑक्सीजन खींच दिया उसने पकड़ के, जब पहचान लूंगा, हाँ उसका चश्मा लगा था, मैं उसका चेहरा पहचान लूंगा कि ये डॉक्टर है मेरे सामने। फिर क्या हुआ? फिर हुआ जब बोलने सब लोग, जब ऑक्सीजन के साथ मेरा बच्चा बहुत तड़पता रहा, मेरे तड़प गई हूँ, जब मेरी घरवाली जब दौड़े तो सब लोग मारने को लग गए, इतना मारा कि सबको मारा। आपके घर में कितने घर वालों को मारा, कौन कौन था, कौन कौन पिटी? मुझे हुआ, मेरे देखो, मेरी पत्नी थी, मेरे रिश्तेदार मिलने वाले थे, और मेरे बहू का कहते साल होता एक, और मेरे दोस्त यार उसके सागर के जो वहाँ बैठे थे, जो पेशेंट थी उनके पेट में लात मारी गई, वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, पुलिस प्रशासन के सामने मेरी बहू थी, मेरे उसके बच्चा है पेट में, मेरा लड़का था एक, और मेरे साला था एक, और साली थी, उन लड़के से मिलने के लिए आए हुए थे, उसी टाइम इतना मारा, और मेरा बच्चा सामने तड़पा, में कह रहा देखो जिंदा, वो कागज में लिख दिया कि वो मरे थे घोषित है, वो जहाँ सांस चल रही उसके सामने, वो नहीं हुए तो फोटो कोबरा निकलवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा, फोटो कैमरा चाहिए मुझे। आप लोगों के साथ मारपीट हुई जी, इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? पुलिस हुआ एक दरोगा जी, पुलिस वाले कैप लगाए खड़े हुए थे, और मैंने उन्होंने कहा तो कहले कि माधव जो इसको पकड़ो, इसको जो रूप में जा रही, इसको भागना जाए। नहीं, मेरे कोई दर्ज नहीं, मैं रात में ही कह, मैं रिपोर्ट लिखवा के ही दे के गया, देखिए अब मैं बताता हूँ, रिपोर्ट रात में लिखवाई मैंने, हाल के आज क्या हुआ, आज क्या हुआ ये बताइए, आज आप यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं जी? कुछ नहीं हुआ, मेरा कोई सुनाई वाले नहीं है, बस ये कह के टाल देते हैं, जिससे कहो कि भैया डॉक्टर लोग अगर वो हड़ताल कर देंगे तो सब मरीज मारे जाएंगे, तुम्हारा लड़का एक है। घटना हुई पुलिस के द्वारा, कुछ किया गया क्या? नहीं, हमसे कोई घटना नहीं हुई है सामने। बाबूजी, ये भी आपके बच्चे जैसे हैं, ये आपके लिए क्या सहयोग कर रहे हैं जी? मेरे बच्चे के लिए इंसाफ मांग रहे हैं जी, मेरे बच्चे के लिए इंसाफ के लिए डले हुए, तीन दिन से डले हुए मुझे, मैं अपने कार्यक्रम में लगा हुआ था, मेरे बच्चे की तबीयत खराब, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, कुछ कार्य में जो हमारे यहाँ जो है कुछ संत को बनाया जाता है, करने की सोचते मेरे, जिससे गाँव वही कहते थे बाबू जी आपके साथ में, किस तरह से इनकी मदद हो सकती है? आप झांसी में हर बार इनकी मदद करते हैं? हम प्रयास पूरा कर रहे हैं इनकी मदद करने के लिए, इनका मुझ पर, मैं इनका आभारी हूँ, इनके इतनी बड़ी घटना हो गई इसके बाद सुनने के बाद कि मैं आमरण अनशन में इनके परिवार के लिए बैठा हूँ, ये मेरे आमरण अनशन में आए, मैं प्रशासन से कहता हूँ कि इनको पूरा न्याय दिया जाए, जो मेरी उचित मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। क्या हमारी मांगे हैं कि इनका मुकदमा लिखा जाए, इनके ऊपर जो झूठा मुकदमा लिखा गया उसको निरस्त किया जाए, इनकी सुरक्षा की जाए, जिन डॉक्टरों के ट्रांसफ़र हो गए उनको यहाँ से रिलीव किया जाए, झूठा की गुंडियाई पर रोक लगाई जाए, जिलाधिकारी महोदय एक कमेटी बनाए, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं यहाँ दाखिला लेते हैं वो एक शपथ पत्र देते हैं कि हमसे अगर कोई गलती की हो तो मेरा इन्वेस्टिगेशन कैंसिल कर दिया जाए, अगर कोई जुड़ा का डॉक्टर गलत है तो उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। दूसरा नंबर, ये सागर पांडे के पिताजी हैं, इनके बेटे की मौत हुई है, इनके बेटे, इनको इंसाफ दिलाया जाए, परिवार को इनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया और निरस्त किया जाए, जुड़ा डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाए, और जिन डॉक्टरों के यहाँ से सीनियर डॉक्टरों के तबादले हो गए उनको यहाँ से रिलीव किया जाए, जिलाधिकारी महोदय कमेटी बनाए जो जूझा डॉक्टरों से कमांड कर सकते। आज क्या हुआ यहाँ पर? आज भाई मैं तो अपने आमरण अनशन स्थल पे हूँ, क्योंकि चौराहे पे हुआ, मुझमें खुद इतनी ताकत नहीं कि मैं खड़ा हो सकूँ, तो आपको पता चलेगा वहाँ से, ये मेरी पीड़ा सुन के इनको मालूम पड़ा कि मैं इनके परिवार के।